आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलते हैं दो दिन पहले जब मैं और कौशल पहुंचे साई नेत्रालय रामनगर में मेरा रेटिना टेस्ट करवाने के लिए। तो ये रहे डॉक्टर शशांक सेन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन भिलाई। सो फाइनली मेरा रेटिना टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। ये टेस्ट ना मुझे जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द आई ड्रॉप। ये मैडम जो आई ड्रॉप डाल रही है ना, ये मुझे 2 से 3 घंटे के लिए मुझे अंधा करने वाली है। एक्चुअली ये रेटिना टेस्ट में कंपलसरी होता है। एंड कौशल है ना, चुपके से मेरा वीडियो ले रहा है अंधे होने की, फ़ायदा उठा रहा है मेरा। भगवान करे ऐसा दोस्त आपको भी दे। एंड कल का दिन तो पूरा पबजी खेलते हुए बिताया मैंने। एंड फाइनली मैं एस तक पहुँच गया। अब कॉन्करर के लिए ट्राई करूँगा। और ये है आज का दिन। वेलकम टू द क्रेजी ट्रैवलर्स एवरीवन, होप यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो कल है धनतेरस, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपने घर में तो ऐसा लाइटिंग वगैरह लगानी है एंड बहुत सारी शॉपिंग करनी है जो कि मैं कल नहीं कर पाऊँगा। क्या आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको नहीं खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन, तो इसकी एक लिस्ट है। ओके, पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग नहीं खरीद सकते, जैसे कि लोहा या स्टील की कोई भी चीज़ें आपको नहीं परचेस करनी चाहिए, ग्लासेस कांच, उसके बाद कोई ऑयल मतलब खाने का ऑयल हो या इंजन ऑयल हो आपको नहीं लेना है, और कोई गिफ्ट्स वगैरह भी आप नहीं ले सकते। कोई भी चीज़ जिससे काला रंग जुड़ा हुआ है आप वो नहीं ले सकते, और बाइक्स भी आपको नहीं लेनी है, ना कि कोई कार। तो ध्यान रखना, धनतेरस के दिन नहीं लेते हैं ये सब चीज़, नहीं तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगे। और अगर बात करें कि क्या क्या नई नई चीज़ें हम खरीद सकते हैं, उनमें से आता है झाड़ू, गोमती चक्र, क्या होता है ये, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, सोना चांदी और तांबा और पीतल के बर्तन वगैरह आप ले सकते हो। तो मैं लाइट्स वगैरह खरीद के आता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं शाम को। तो मैं आ चुका हूँ घर और ये रहे इतने सारे लाइट्स। ये लाइट्स कुछ इस तरीके का जलता है, लाइक दिस। देखो यार, दिवाली में अगर घर डेकोरेट ना करो ना तो अच्छा नहीं लगता है। साल में एक बार ये त्योहार आता है तो अच्छे से डेकोरेशन करने का। आई होप आप लोगों ने भी अपने घर को अच्छे से डेकोरेट किया होगा। तो अभी मेरी बारी है डेकोरेट करने का, तो आप देखो। डेकोरेशन पूरा हो चुका है, ये देखो यहाँ से यहाँ पूरा लाइट्स एंड वहाँ ऊपर वो रहा, देखा। एंड ये रहा एक्सटेंशन, इससे पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। रात को अच्छा दिखेगा, अभी नहीं, फिलहाल तो दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है। सो अभी वेट करते हैं रात का, फिर देखते हैं कैसा दिखता है। हेलो, कैसा लग रहा है लाइट? चल तेरे को भी रात को दिखाता हूँ, ठीक है? सो इट्स टाइम टू शो यू द डेकोरेशन ऑफ माय हाउस एंड हियर इज इट। अल्टीमेट है ना, करीब 500 रुपीस बजाया है मैंने इस डेकोरेशन पे। चलो अंदर से दिखाता हूँ आपको। विद्या का पेड़ मैंने एकदम सीधा सीधा लगाया है यहाँ पे, ज़्यादा टेढ़ा मेरा नहीं किया, इससे अच्छा दिखता है लुक। और ये है डिस्को लाइट अपनी साइकिल, ऊपर की तरफ एक डिस्को लाइट है, मे बी यू कैन सी वहाँ पे। सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी राइट नाउ, क्योंकि अभी हो सकता है थोड़ा सा ग्रेन भी वगैरह आए। आई होप यू हैव इंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपने इंजॉय किया है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक के साथ साथ शेयर भी करो। एंड मिलते हैं फिर कल, चलो बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड हैप्पी धनतेरस और कीप ट्रैवलिंग। बाय। When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find that in your eyes.